आइए बेटा, क्लास नाइन्थ का एक हम पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। बेटा, नंबर सिस्टम एक चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग तरह तरह के नंबर्स के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उन पर ऑपरेशंस करेंगे, उन सारी चीजों को सीखेंगे। तो बहुत ज्यादा इस बात को बढ़ाते हुए ना हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को समझते हैं। देखो बेटा, आप किसी भी चैप्टर में इंटर जब भी करें तो उसका एक छोटा सा कंटेंट जरूर बना लें। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी चीज सीखने में बड़ी आसानी होती है। कंटेंट का मतलब क्या बेटा, कि आप जैसे किसी चैप्टर में जैसे ही इंटर कर रहे हो, आप उसकी एक छोटी सी लिस्ट बना लीजिए कि उस चैप्टर में हमें किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है, ताकि आपसे अगर कोई चीज उससे रिलेटेड पूछे तो आपको तुरंत वो टॉपिक याद आ जाए कि हाँ, हम टॉपिक नंबर ये पढ़े थे, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। तो बेटा आइए, क्लास नाइन में सबसे पहले हमें जो भी पढ़ना है, तो पहला टॉपिक हमें पढ़ना होगा नंबर्स। भाई नंबर्स, हम जब चैप्टर ही पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना जरूरी होगा कि नंबर सिस्टम में नंबर्स क्या होते हैं। सेकेंड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ नंबर, कि चलो हमने नंबर तो सीख लिया, लेकिन नंबर कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में सीखेंगे बेटा। तीसरे नंबर पे सीखेंगे बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे लाइन पर, यानी लाइन पर हम किसी नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आता है बेटा रेशनलाइज नंबर, यानी जो रेशनल नंबर हम लोग पढ़ेंगे उसको रेशनलाइज करेंगे कैसे। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे बेटा ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के साथ ऑपरेशन कैसे कैसे करेंगे, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब उन पर ऑपरेशन होंगे बेटा। चलिए बेटा, सबसे पहले हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा नंबर्स। नंबर्स क्या बेटा, देखो आप लोगों को ये बहुत ज्यादा बताने की बात नहीं है, क्योंकि आप जब छोटे क्लास में, क्लास एट्थ या सेवेंथ में या सिक्स फिफ्थ में, जिसमें भी रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको नंबर के बारे में बताया गया होगा। तो नंबर के बारे में आप लोगों को ये बताया गया होगा बेटा कि 1, 2, 3, 4, 5, -2, -7, -8, -10, 2/9, 3, 4, 5, ये सब क्या है बेटा, नंबर्स हैं। तो हम उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट हैं, तो आपको जिन नंबर के बारे में पढ़ना है बेटा, हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। तो नंबर में ही बेटा हम लोग पढ़ेंगे, पहला हमारा होगा बेटा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होगा बेटा, तो देखिए बेटा, कोई भी चीज समझने से पहले, उसकी थ्योरी याद करने से पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक होगा बेटा रेशनल नंबर। फर्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ना है रेशनल नंबर। बेटा रेशनल नंबर क्या होता है, आप लोग अक्सर कभी बुक खोले होंगे क्लास एट्थ में, तो आप लोगों को कहीं रेशनल नंबर लिखा हुआ जरूर मिला होगा, जिसको आप लोगों के क्लास एट्थ में फ्रैक्शन बोला गया था बेटा। क्या बोला गया था, फ्रैक्शन बोला गया था, जैसे 2/7, 3/9, 5/4, 3/8, ऐसा नंबर आप लोगों ने कहीं देखा होगा बेटा। तो इन्हीं नंबर को बोलते हैं बेटा रेशनल नंबर। आगे बात समझ में। लेकिन बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी हमने नंबर लिखा है, इसको देखो बेटा, ऊपर भी कुछ नंबर लिखा है, नीचे भी कुछ नंबर लिखा है, ऊपर भी कुछ नंबर लिखा है, नीचे भी कोई डिजिट है, यानी इस तरह से हम लोगों ने लिखा, तो इसी को बोलेंगे रेशनल नंबर। लेकिन बेटा एक बात याद रहे कि अगर आप इस नंबर को यहाँ पर लिखे हैं, जैसे हमने 2/7 लिखा, तो ये तो रेशनल नंबर है। अब एक कोई बच्चा आया, मैंने ये लिख दिया 5, अब मैंने उससे पूछा बताओ बेटा ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो उसने कहा कि सर इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे बताएं कि रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो बेटा देखो, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होगा उसके नीचे बेटा हम लोग 1 मान लेंगे। आगे बात समझ में। तो अब हम यहां देख लेंगे बेटा कि जिसके नीचे कोई नंबर नहीं है उसके नीचे 1 लिख दे रहे हैं, तो फिर भी तो ये इसी फॉर्म में हो गया। आई बात समझ में। तो बेटा जब भी हम किसी नंबर को इस तरह से लिखेंगे उसको बोलेंगे रेशनल नंबर, जिसको जनरली आपके बुक में समझाने के लिए क्या किया गया बेटा, एक रेफरेंस लिया गया है और वहां पर एक वेरिएबल नंबर का यूज किया गया है, जिसको बोलते हैं लोग p/q। यानी अगर हम किसी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख दे तो उसको बोलेंगे बेटा रेशनल नंबर। जैसे देखिए ऊपर ये 2/7 p/q p/q, तो ये सारे नंबर p/q के फॉर्म में है ना, तो इनको बोलेंगे बेटा रेशनल नंबर। आगे बात समझ में। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि यहाँ जो q होगा वो कभी भी इक्वल के 0 नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर हम लोगों ने गलती से ये लिख दिया
टू अपॉन जीरो, सेवन अपॉन में जीरो, माइनस फाइव अपॉन में जीरो, तो बेटा ये रेशनल नंबर नहीं हो सकते। और क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमें ये बताया गया है कि कभी भी जो रेशनल नंबर में p बाई क्यू यानी जो q होता है, डिनोमिनेटर जो होता है, वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया बेटा तो समझ लीजिएगा कि वो रेशनल नंबर नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं। तो इसको कैसे लोग थ्योरेटिकली समझाते हैं कि यदि किसी नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें या रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उनको बोलेंगे बेटा रेशनल नंबर, बट कंडीशन वहां ये होनी चाहिए कि q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में। अब इसी रेशनल नंबर में बेटा दूसरा टॉपिक आप लोगों को सीखना है, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर के भी टाइप होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से रेशनल नंबर के टाइप होते हैं। तो देखो बेटा, रेशनल नंबर के टाइप अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमारा काम होगा बेटा कि पहले तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, एक एग्जांपल के थ्रू सबसे पहले हमने आपको दिया 2 से 27 को डिवाइड करने के लिए दे दिया, आपको दे दिया, और एक दे दिया 3 से 20 को डिवाइड करने के लिए दे दिया। आइए चेक करते हैं कि यहां पर 2 से 27 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो रहा है, और यहां 3 से 20 को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2, ये 0 हो गया, इसको यहां पर ब्रिंग डाउन कर लेंगे, 7 आ जाएगा, 2 3 जा 7 6 और कैरी रिमाइंडर 1 बचा। फिर पॉइंट लगा के बेटा हम वहां पर एक 0 पुट कर लेंगे। फिर यहां पर हम जब डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, और अब इसको हम यहां से माइनस करेंगे तो लास्ट में 0 0 आ गया। यानी अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां रिमाइंडर हमारा आ गया 0। आगे बात समझ में। तो देखो बेटा, इसमें तो रिमाइंडर 0 आ गया, अब इसके साथ चलते हैं ऑपरेशन करके देखते हैं क्या होता है। 3 6 18 2, फिर पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 6 18, फिर 2 आया, फिर 0, फिर 6, फिर 18 और फिर 2, यानी रिमाइंडर बार बार क्या हो रहा है बेटा, यहां पर रिपीट कर रहा है, यानी कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ सकता। और इस वाले में देखो बेटा, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो बेटा जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया उसको बोलेंगे बेटा टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। और अगर कहीं पर रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा उसको बोलेंगे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा कि अगर किसी केस में रिमाइंडर 0 आ जाता है डिवाइड करने पर, किसी अगर हमने रेशनल नंबर का डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर किसी रेशनल नंबर को हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है किसी भी कीमत पे, चाहे कितनी भी दिन हम करते रह गए डिवाइड, तो उसको बोलेंगे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा रेशनल नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं रेशनल नंबर के टाइप, कौन कौन से होते हैं बेटा, तो 2 टाइप के रेशनल नंबर होते हैं। पहला हमारा होता है बेटा टर्मिनेटिंग, और दूसरा होगा बेटा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। आगे बात समझ में बेटा, यानी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में क्या होगा बेटा, रिमाइंडर 0 होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, नेवर, इसमें नेवर इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। आगे बात समझ में। अब जनरली ज्यादा तक लोग अब ये कहते हैं भाई कि अब अगर हमें बहुत सारे ऑपरेशंस दे दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, तो हम कैसे चेक करें कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन टर्मिनेटिंग नहीं है। तो बेटा उसका भी बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत इजी है, लेकिन अभी आप बेसिक से किसी चीज को सीख रहे हैं तो डिवाइड करके देख लीजिएगा कि आप घबराइएगा मत, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 5 6 प्लेस तक आप ले जाना। अगर 6 प्लेस तक ले जाने के बाद भी वो रिमाइंडर 0 नहीं आता है और अगर कोई नंबर रिपीट कर गया तो बेटा समझ जाना कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी 0 नहीं आ सकता। या
अगर किसी में देख लेना बेटा कि अगर उसका न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाला जो पी है अगर वो 2 और 5 अगर हम लोगों ने ऐसा लिखा है पी बाई क्यू, अगर इसका जो क्यू है डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 का फैक्टर है, 2 और 5 का फैक्टर है तो 100% जो टर्म होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग कैसे होगा, चलिए जरा हम जो बात बोले हम चेक करते हैं कैसे, बिना देखे हम बताएंगे, बिना सॉल्यूशन किए हम बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। जैसे हमने दे दिया 3 अपॉन में 5, 7 अपॉन में 2, 9 अपॉन में 5, ये 3 ले लेते हैं एग्जाम्पल और इनको बस हम बिना सॉल्व किए बता देंगे, लेकिन आपको सिखाना है तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 9 अपॉन में 3, 7 अपॉन में 9 अपॉन में 4, 2 अपॉन में 5, सॉरी ये ले लेंगे बेटा हम 7 और ये ले लेंगे हम 11। अब चेक करते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन टर्मिनेटिंग नहीं है। तो देखिए जरा बेटा ध्यान से, ये जो डिनोमिनेटर है ना वो 5 है ना, तो बिना सोचे ये टर्मिनेटिंग होगा, यानी जब भी हम 5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसके नीचे 2 है ना बेटा, तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 7 को तो किसी ना किसी नंबर पे रिमाइंडर 0 जरूर आ जाएगा। यहां पर रिमाइंडर बेटा 5 है ना, तो ये भी देखो जब भी हम 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे जा करके ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर q जो है वो 2 और 5 का फैक्टर है, 2 और 5 का फैक्टर होगा तो बेटा ध्यान रखना कि वो जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा, यानी क्या होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, उसका रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन यहां पर जरा देखिए बेटा 3 क्या है, 2 की टेबल में नहीं आता, यानी 2 से 3 डिवाइड नहीं होता, 7 भी 2 से नहीं डिवाइड होता, 11 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, आई बात समझ में, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब है कि ये रेशनल नंबर नहीं हो सकते। चलो 2 से नहीं होता तो 5 से चेक करके देख लो, अगर 5 से भी हो गया तो रेशनल नंबर ये क्या है टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन देखो 3 भी 5 से कभी डिवाइड नहीं हो सकता, 7 भी कभी 5 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता, 11 भी कभी 5 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ पर क्यू जो है वो 2 और 5 का फैक्टर नहीं है। आगे बात समझ में, यानी बेटा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के होते हैं। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर होगा जिसका क्यू जो होगा 2 और 5 का फैक्टर होगा, लेकिन अगर किसी रेशनल नंबर का जो क्यू है, आई बस हमने, अगर वो 2 और 5 का फैक्टर नहीं है तो वो किसी भी कीमत पे टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। आगे बात समझ में, तो बेटा हम लोग दो टॉपिक अब तक कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर्स किसको बोलते हैं और टाइप्स ऑफ नंबर में यानी रेशनल नंबर किसको बोलते हैं और रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं। आइए बेटा हम तीसरे नंबर को छोड़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये बेटा थोड़ा सा लॉजिकल है, ये बिना हम जब तक कॉपी पे बना के आपको नहीं दिखाएंगे तो उतने अच्छे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आइए हम चौथे नंबर पे चलते हैं, रेशनलाइज ऑफ नंबर, यानी अगर हमें रेशनलाइज करना है बेटा तो रेशनल नंबर को ही करना होगा। तो तीसरा टॉपिक हमको पढ़ना है बेटा, रेशनलाइज करना, नंबर को क्या करना, रेशनलाइज करना सीखेंगे आज हम नंबर को। रेशनलाइज बहुत ही इजी होता है बेटा, बहुत इजी होता है, इसको सीखने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। रेशनलाइज क्यों करते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा जो भी चीज हम पढ़ते हैं तो पहले हम ये जरूर जान लें कि रेशनलाइज करते क्यों हैं और कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा, रेशनलाइज वहां पर करेंगे बेटा जहां पर डिनोमिनेटर जो होगा वो रूट में होगा। अगर हमने कोई नंबर लिख दिया 2 अपॉन में √3 और लिख दिया 7 अपॉन में √5, यहां लिख दिया 2 अपॉन में √2 अपॉन में 3, तो देखो बेटा इसमें किसको रेशनलाइज करेंगे किसको रेशनलाइज नहीं करेंगे और क्यों नहीं करेंगे। देखो बेटा अगर यहां लिखा है 2 अपॉन √3 तो यहां पर जो डिनोमिनेटर है बेटा, आई बात समझ, जो क्यू है वो रूट में है, तो कभी भी डिनोमिनेटर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर ये रूट में है तो इससे हमें इस रूट को हटाना होगा किसी लॉजिक से, और उसी लॉजिक का नाम है बेटा रेशनलाइज। क्या है, रेशनलाइज। यहां पर भी डिनोमिनेटर बेटा बताओ किसमें है,
रूट में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। लेकिन बेटा यहां पर देखो p रूट में q रूट में नहीं है, तो यहां पर q हमारा रूट में नहीं है तो हमें इसे सोचने के बारे में जरूरत ही नहीं है। यानी अगर q रूट में होता तब हम रेशनलाइज करते हैं। आगे बस समझ बेटा, तो ये पहले हम डिसाइड करेंगे किन किन नंबर का रेशनलाइज कर सकते हैं और किन किन नंबर का रेशनलाइज नहीं करेंगे। तो फिर से एक बार मैं उस बात को रिपीट करता हूँ बेटा कि अगर कहीं पर q रूट में है बेटा, डिनोमिनेटर रूट में, तो वहां रेशनलाइज करने की जरूरत हमें पड़ेगी, और अगर q रूट में नहीं है तो वहां रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बस, अब रेशनलाइज कैसे करते हैं आइए देखते हैं बेटा। तो उसके लिए कुछ रूल सीख लीजिए बेटा, अगर आप लोग रूल सीख जाएंगे तभी ये काम करेगा। तो रूल नंबर वन, हम एग्जाम्पल के हिसाब से सिखाते हैं बेटा, हमें एबीसीडी नहीं जानना कि एबीसीडी के थ्रू कैसे सीखते हैं। अगर बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं हमने रूट टू इंटू रूट टू लिख दिया, मैंने टू की जगह आप कुछ भी कर लीजिएगा, ये डजंट मैटर, लेकिन हमारे इसमें देखने वाली बात क्या है कि दोनों नंबर रूट में है, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है और दोनों सेम नंबर हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि जब सेम नंबर का सेम नंबर में मल्टीप्लाई किया जाएगा और दोनों रूट में होंगे तो सिर्फ रूट हट जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यहां पर सिर्फ टू आ जाएगा। और कैसे आया आइए देख लेते हैं। आपको बेटा याद रखिएगा कि रूट में टू का मल्टीप्लाई करेंगे रूट में टू का, तो ये हो जाएगा रूट में फोर। क्या हो जाएगा, फोर। और आप लोगों ने पढ़ा है कि रूट में फोर को लिखते थे टू इंटू टू, और क्लास एट्थ में आप पढ़ के आ चुके होंगे कि अगर किसी रूट के अंदर दो नंबर जो हैं बिल्कुल सेम है तो उनमें से एक नंबर बाहर निकल आता है। तो देखिए यहाँ पर टू आ गया ना, तो इसी तरह से बेटा। तो हमें इतना डीपली नहीं जाना है क्योंकि क्लास एट्थ में हम इन चीज को पढ़ के आ चुके हैं। अब हमें क्या करना बेटा, ये पहला रूल रहा कि अगर सेम नंबर का है रूट लगाए तो हटा देंगे। दूसरे नंबर पे सीखना बेटा कि अगर एक रूट में टू है और एक रूट में थ्री है तो याद रखना बेटा ये रूट में सिक्स होंगे, रूट का रूट लग जाएगा और टू थ्री जा सिक्स होगा, यहां रूट हटेगा नहीं। अगर कहीं तीसरे नंबर पे लिखा होगा बेटा टू रूट में फाइव और हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्री में मान लो, तो याद रखना बेटा टू थ्री जा सिक्स होगा लेकिन रूट में फाइव एटिजिट रहेगा, ऐसे ही रह जाएगा। आगे बात समझ में, यानी नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट सही रहेगा। लेकिन अगर इसी का सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, इसी का सेकेंड पार्ट कि टू रूट में फाइव इंटू थ्री रूट टू, मान लो इसके साथ भी कोई एक नंबर है तो देखो बेटा बिना रूट वाला बिना रूट के साथ मल्टीप्लाई करेगा और रूट वाला रूट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। आगे बात समझ में, यानी बिना रूट वाला बिना रूट के साथ मल्टीप्लाई करेगा और रूट वाला रूट के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा कि कभी भी रूट में अगर कोई नंबर माइनस में नहीं आ सकता। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है कि माइनस रूट सेवन, बेटा ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल होता है लेकिन वो बहुत बड़ी क्लासेस में होता है, लेकिन आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कोई अगर बच्चा किसी को क्वेश्चन देता है या कुछ समझाता है तो ऐसे एग्जांपल्स नहीं लेगा वो, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, तो ये ऑपरेशन आप लोगों को समझ में आ गया कि रूट सेम रूट का सेम रूट में करने पर सिर्फ रूट हट जाता है, अगर अनइक्वल नंबर है रूट में है तो वो दोनों का रूट एटिजिट लगा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, बिना रूट वाला बिना रूट के साथ मल्टीप्लाई करेगा रूट ऐसे उतर जाएगा और रूट का रूट में मल्टीप्लाई होगा, बिना रूट का बिना रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे बस हमने अब आते हैं बेटा रेशनलाइज करना सीखते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल क्या है रेशनलाइज का, टू अपॉन में रूट थ्री। तो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि टू अपॉन रूट थ्री को रेशनलाइज कैसे करें। तो बेटा कुछ नहीं करना है, रूट में थ्री लिखा है ना, तो इसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना और इसी से नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां देख रहे हैं बेटा कि एक बिना रूट का है और एक रूट का है, तो हमने अभी बताया ना कि बिना रूट का बिना रूट में रह जाएगा, रूट वाला रूट में रह जाएगा। और देखो बेटा नीचे क्या है, रूट थ्री का रूट थ्री में कर रहे हैं, तो अभी मैंने बताया ना कि रूट थ्री का रूट थ्री में, यानी दोनों नंबर सेम है और रूट में है तो इनका रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा, बस यही हो जाएगा आंसर। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं बेटा, आप लोग भी समझ जाएंगे इसको। लिखा बेटा सेवन अपॉन में रूट में फाइव, ये सेकेंड हम एग्जांपल ले लिए हैं। फिर वही काम करेंगे, नीचे फाइव है ना रूट में, तो रूट में फाइव ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट में फाइव नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, सेवन का तो सेवन ही उतरेगा, रूट में फाइव फाइव ऐसे उतर जाएगा। अब यहां पर देखेंगे बेटा क्या लिखा है, फाइव फाइव देखो बिल्कुल सेम है ना, तो सिर्फ ये रूट हट जाएगा। आगे बस हमने एक नया एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसको तो रेशनलाइज करने की जरूरत है नहीं क्योंकि यहां पर क्यू जो है
रेशनल नंबर आई मीन जो क्यू है वो हमारा रूट में नहीं है। तो आइए हम नया एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया नंबर थर्ड का कि लिखा है टू रूट में फाइव अपान में रूट में थ्री, इसको रेशनलाइज करना है। थोड़ा सा एक एक स्टेप अब हम बढ़ते जाएंगे बेटा। तो चलिए इसको रेशनलाइज करेंगे बेटा। तो कैसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, नीचे वाले को देखेंगे, नीचे रूट थ्री है ना, तो रूट थ्री से ऊपर, रूट थ्री से नीचे मल्टीप्लाई। मैंने बताया था बेटा कि देखो जिसके आगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो वन मान लेते हैं, टू बिना रूट वाला बिना रूट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी टू वन जा टू, और रूट वाला रूट में करेगा। तो रूट वाला रूट में करने जाना तो चेक कर लेंगे कि रूट वाला दोनों सेम तो नहीं है। तो यह देख रहे हैं कि दोनों सेम नहीं है, एक में फाइव है और एक में थ्री है। तो ये फिर यहाँ रूट लगा करके जैसे आप जनरली करते हो थ्री फाइव या फिफ्टीन वैसे कर दीजिएगा। लेकिन नीचे देखिए बेटा सेम है तो यहाँ पर ये हट जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट लेते हैं एक और फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। हमने लिख दिया सिक्स रूट में फाइव अपान में रूट में टू। अब बेटा इसको रेशनलाइज करने चलेंगे, इसको रेशनलाइज करने चलेंगे तो सिर्फ वही करेंगे, रूट में टू अपान में रूट में टू। देखो बेटा इसके आगे सिक्स है, इसके आगे कुछ नहीं है तो वन कर लेंगे, सिक्स वन जा सिक्स, रूट का रूट में करोगे तो रूट टेन हो जाएगा। अब देखो बेटा टू का टू में करोगे तो टू। अब याद रखना बेटा कि ये टू जो नीचे है देखो तो ये कहीं डिवाइड तो नहीं हो रहा है सिक्स को, देखो ये तो इसको डिवाइड भी कर रहा है, तो थ्री रूट टेन ये भी इसका आंसर हो सकता है बेटा। आगे बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग ऑपरेशंस करेंगे। तो सिंगल रूट का तो आप लोगों को करना आ गया होगा। आइए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूट का हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करना सीखते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड रूट होगा तो उसका रेशनलाइज कैसे करेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं नए न्यूमेरिकल्स के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक नए एग्जाम्पल ले लिया टू अपॉन में रूट फाइव माइनस फोर। जरा ध्यान से देखिएगा, हमने लिख दिया टू अपान में रूट फाइव माइनस फोर, इसको रेशनलाइज करना है, कुछ नहीं करना है बेटा। देखो जब कभी भी क्यू हमारा जो क्यू है अगर उसमें एक से ज्यादा टर्म है तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, कोई दो ग्रुप बनाना है उन टर्म्स का। कैसे दो ग्रुप बनाएंगे, जैसे देखिए एक ग्रुप ये हो गया और एक ग्रुप ये हो गया, और आपको कुछ नहीं करना है, इनके बीच के साइन को चेक करिए। इनके बीच का साइन है जैसे माइनस, तो कुछ मत करो, क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा, टू नीचे लिखा था ना रूट फाइव माइनस फोर, तो इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन याद रहे बस साइन चेंज कर देंगे। जैसे रूट फाइव यहां माइनस था ना बेटा, तो अब यहां प्लस लगा देंगे, और रूट में फाइव और प्लस में फोर। देखिए यहां माइनस था तो हम उल्टा कर देंगे साइन को, और बस वही प्रोसीजर। देखिए बेटा अब यह टू है, टू अब इनमें मल्टीप्लाई करेगा, तो याद रखना बेटा जब भी आप ऐसा दो टर्म रहे तो इसको हम ब्रैकेट में ऐसे कर लेंगे, याद रखिएगा। इससे आपको फायदा क्या होगा चलिए देखते हैं। देखो बेटा अब हम यहां करेंगे तो टू इनमें मल्टीप्लाई करेगा ना, तो टू को बाहर लिख दीजिए और रूट के अंदर पूरा इसको लिख दीजिए, रूट फाइव प्लस फोर, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। नीचे देखिए बेटा यहां देख रहे हैं बेटा कि एक ब्रैकेट में जो है एक में माइनस और एक में प्लस है। तो आप लोग क्लास एट्थ में एक आइडेंटिटी पढ़े होंगे कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है दूसरे में a माइनस बी है तो हम उसको लिख सकते हैं बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप वही लॉजिक लगा दो, यहां पे देख लो, यहां पर 5 को a मान लो 4 को b मान लो, तो 5 रूट 5 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर कर दे बेटा। तो यहां पर करेंगे बेटा तो देखो 2 रूट में कितना आ जाएगा बेटा 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 के ऊपर रूट लगा है बेटा। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अगर रूट 5 का स्क्वायर है या किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो बेटा यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर से, क्योंकि हम इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं बेटा, और देखो बेटा दोनों नंबर सेम है तो इसका बस रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे 5 माइनस 4 फोर जा 16। अब हम इसको करेंगे बेटा 2 रूट में 5 प्लस 4 अपॉन 16 माइनस 5 11 और माइनस का साइन बड़ा, तो ये बेटा हमारा आंसर हो गया। अगर ये डिवाइड होता तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो वो भी सही है, लेकिन यहां तक भी आंसर कोई गलत नहीं माना जाएगा। आगे बस हमें नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके बेटा इसको समझते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या लेते हैं एक नया एग्जांपल हम लोग यहां पर ले लेते हैं बेटा 4 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस सॉरी प्लस 3 ले लेते हैं।
चलो बेटा यहाँ पर 4 ले लेते हैं। चले स्टार्ट करें। कुछ नहीं करना बेटा, हम लोगों को फिर क्या करना है, वही लॉजिक लगाना है कि हमें 4 डिवाइडेड बाई, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, रूट 2 प्लस 4, और देखो अब मल्टीप्लाई करने चलेंगे। तो बेटा इसके बीच में प्लस है ना, तो हम इसका साइन उल्टा करके ले लेंगे। क्या ले लेंगे, रूट में 2 और माइनस 4 अपन में रूट में 2 और माइनस 4, और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। अब देखते बेटा 4 का, 4 को 4 ऐसे लिखने दो, रूट में 2 माइनस 4 और डिवाइड करेंगे बेटा। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको जब हम करेंगे बेटा तो 4 रूट में 2 माइनस 4 और डिवाइडेड बाई 2, 2 जा 2 माइनस 16 इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, 4 रूट में 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई बेटा कितना हो जाएगा 14, कितना 14। अब देखो बेटा 4 से 14 डिवाइड हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो इसका आंसर होगा 2 रूट में 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 7 आंसर। आगे बात समझ में? तो बेटा आप लोगों को अगर इस तरह के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग अगर एनसीईआरटी बुक यूज करते होंगे तो एनसीईआरटी के पेज नंबर बेटा आप लोगों को मिलेगा 24 पे, एग्जाम्पल नंबर सॉरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 पूरा इसी पर बेस्ड है, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। अब हमारा बस एक टॉपिक और रह गया, रैशनलाइज तो हम सीख गए, अब आइए हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखते हैं इसका, कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो भी बहुत जनरल रूल होता है, तो सिर्फ हम दो एग्जाम्पल लेकर के इसको हम कंप्लीट करते हैं। चलिए बेटा मल्टीप्लाई करना रैशनलाइज का, रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कि अगर कहीं हमें दे दिया और ऊपर लिख दिया ऐसे इन ब्रैकेट 2 प्लस रूट में 3 मल्टीप्लाई 7 रूट प्लस रूट में 3 ऐसे लिख दिया। अब बोला कि इसका मल्टीप्लाई करो, बीच में मल्टीप्लाई लगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए करते हैं इसका। बेटा कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने को ये बात क्लास 8 में ही पता हो चुका है, एक आइडेंटिटी है कि अगर a प्लस बी और कहीं c प्लस डी है, बीच में मल्टीप्लाई करना है, तो आप a को a लिखिए, आप पूरा ये ब्रैकेट उतार दीजिए c प्लस डी, फिर प्लस है इसके बीच में तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए और b को उतार दीजिए। अब b उतर गया तो बेटा फिर पूरा ये लिख दीजिए c प्लस डी, और बेटा ये इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा, ये इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा, इसी तरह से प्लस लगा कर ये इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा, ये इसमें भी, यानी a c प्लस a d प्लस b c प्लस बी डी। यहाँ पर बेटा जो यहाँ इसके बीच में कुछ नहीं लिखा इसका मतलब इसके बीच में मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई। आइए तो एग्जाम्पल को अपने हम लोग प्रोसीड करते हैं, कैसे होगा बेटा, मैंने क्या बताया कि अगर a प्लस बी और c प्लस डी है तो पहले हमें a को उतारेंगे बाहर, a का मतलब 2, इसके बाद ये ब्रैकेट लगाएंगे और ये पूरा ब्रैकेट उतार देंगे 7 प्लस रूट में 3, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, रूट 3 उतार देंगे आप, फिर ये पूरा ब्रैकेट उतार देंगे 7 प्लस रूट में 3, और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14, 2 रूट में 3, देखो बेटा ये बाहर है और ये अंदर है तो बाहर वाला बाहर रह जाएगा और अंदर वाला अंदर, फिर प्लस 3, देखो रूट में बिना रूट में तो बिना रूट वाला बाहर, रूट वाला रूट के अंदर, प्लस देखो बेटा ये भी रूट में ये भी रूट में, और देखो लॉजिकली ये दोनों रूट में सेम है तो रूट हट जाएगा, सिर्फ रूट में 3 मल्टीप्लाई रूट में 3 कर लेंगे बाद में। अब देखो बेटा तो 14 प्लस, देखो बेटा 2 रूट में 3 और 7 रूट में 3, देखो इनके पीछे लगा हुआ नंबर बिल्कुल सेम है ना, रूट सेम है ना, तो इनके साथ ऑपरेशन हो सकता है, यानी प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, जो हम रूल जानते हैं, तो 2 और 7 9 रूट में 3 और प्लस 3 3 जा 3। अब देखो बेटा ये नंबर और ये नंबर एक कैटेगरी के हो गए, जिनके साथ कोई रूट नहीं है तो इनको जनरली प्लस कर लेंगे, 14 और प्लस 3 17 प्लस 9 रूट में 3। आगे बात समझ में बेटा? तो ये चीजों को हम लोग बड़ा आसानी से समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग सीखेंगे कि आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी में कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, उन टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे बेटा और एक एक चीज को समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा, आप लोगों को अब और अगर कोई चीज नहीं समझ में आई होगी तो प्लीज आप लोग अपने स्कूल के ग्रुप में या पर्सनली मुझे 999-0405-926 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं बेटा, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं फ्री होते ही आपको खुद कॉल कर लूंगा, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।
और आप लोग इस वीडियो को आराम से देखिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।